आज रांची में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक युवती पहुंचे। दरअसल रांची स्थित प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से रांची के हेहल स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में दंतोपंत टेंगरी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। कोरोना महामारी के बाद इस तरह का आयोजन बहुत कम ही जगहों पर हुआ है। विभाग की ओर से इस रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों के 40 स्टॉल लगाए गए। रांची के प्रादेशिक नियोजनालय के सहायक निदेशक निशिकांत मिश्रा ने बताया कि इस रोजगार मेले के माध्यम से हजारों लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। रोजगार मेला में पहुंचे युवकों ने अपनी पीड़ा बताई और कहा कि सरकार की ओर से सरकारी नौकरी नहीं निकाली जा रही, मजबूरी में प्राइवेट नौकरी की आस में इस रोजगार मेले में ये पहुंचे हैं। उम्मीद तो लेके ही आए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो झारखंड सरकार यहाँ पर जो नीति बनाई थी 2022-23 में, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए, उसको तो रद्द कर दिया गया अचानक। हम लोग का 2 साल ऐसे भी बर्बाद हो गया, कोरोना के कारण भी बर्बाद हो गया। कोरोना भी उधर 2 साल ले लिया और इधर फिर रद्द हो गया। हम क्या बोलते हैं, असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे के बोकारो से आए, उतना दूर से आए और 1 सप्ताह नहीं हुआ और एग्जाम रद्द हो गया। तो वही उम्मीद लेकर आए हैं कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर में सही जगह हो जाए अच्छा सैलरी से, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो अभी कोई उम्मीद किया नहीं जा सकता है कि कब नीति लागू हो और कब वैकेंसी निकले। देखिए, सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है, तो हम लोग का यही उम्मीद है कि कुछ भी हम लोग का जो रोज़गार मिले और हम लोग अपना जो है स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ में जो है कि अपना क्या बोलते हैं अपना पैरों पे भी खड़े होकर कुछ ना कुछ करें। कोविड के बाद आपका स्थानीय नियोजन नियमावली भी इस सितंबर से 22 से लागू है। उसके तहत जो हमारे स्थानीय नियोजक हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि अभी जो 40 ये हैं तो उसमें आपके 20 से अधिक नियोजक लोकल हैं, और जो यहाँ छोटी छोटी कंपनियाँ भी जो काम कर रही हैं वो भी नौकरी देने के लिए स्थानीय बेरोजगारों को आई हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हमें नियोजक की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। आप देख रहे हैं लोग अपने अपने स्टॉल पर बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनके लायक बच्चे यदि उनको प्राप्त हों तो वो उसको ले जाएं। उसके बाद अगर कमी होती है तो उसका गैप एनालिसिस किया जाएगा कि उन्हें एक्चुअल में चाहिए क्या, और यदि हम कैटर नहीं कर पा रहे हैं या जिस बेरोजगारी का हम रोना रोते हैं कि बेरोजगार हैं और मेरे पास इतनी रिक्तियां हैं, तो आखिर दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा। यदि उनको किसी स्किल की ज़रूरत है, स्पेशली कोई स्किल चाहिए, अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें हम लोग स्किल डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करके उसको स्किल करने का प्रयास करेंगे। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।